बैक टू माय चैनल न्यू प्रकाश शाह। मैं बात करती हूँ फैशन ट्रेंड्स, ब्यूटी टिप्स, स्टाइलिंग टिप्स, स्किन केयर, मेकअप। सो टुडे वीडियो इज़ ऑल अबाउट मीशो ज्वेलरी हॉल। ऑफकोर्स वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है एंड वेडिंग सीजन में ब्यूटीफुल ज्वेलरी पहनना किसे नहीं पसंद होता। तो मैं आप सबके लिए कुछ ज्वेलरी लेके आई हूँ। वो ज्वेलरी बिल्कुल ही अफोर्डेबल, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है एंड बहुत ही सुंदर है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, जाइएगा नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो ज्वेलरी है ये लेयर्ड नेकलेस है एंड सेट है। लेट मी शो यू। दिस वन इज द नेकलेस, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पीस है। ये लेयर्ड में है, स्टोन है एंड देन इसमें ये पर्ल लगे हुए हैं एंड देन नीचे भी स्टोन एंड पर्ल है। सो बहुत ही खूबसूरत पीस है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर पीस है। मतलब ये शादी फंक्शन में, वेडिंग्स में बहुत सुंदर लगेगा। सूट पे भी स्टाइल कर सकते हैं एंड साड़ी पे भी स्टाइल कर सकते हैं। इसके जो इयररिंग्स है ये इस तरह से है। सो नेकलेस बहुत ज़्यादा हेवी है, सो इयररिंग्स थोड़ा सा छोटे में रखा है, आप देख सकते हैं। ये रहा इयररिंग्स। सेकेंड जो नेकलेस मंगवाया है मैंने वो एडी में है। आजकल एडी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है ऑल ओवर ऑन इंस्टाग्राम एंड बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। ये इस तरह के डब्बे में आया, बहुत छोटा सा क्यूट सा डब्बा है। मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये लाइट में उतना पता नहीं चल रहा है। तो ये पिंक कलर में है। ये नीचे इसका ये कलर जो है ये पिंक है एंड ये वाइट में है एंड ये सिल्वर एडी में है। सो बहुत सुंदर लग रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी और ब्लिंगी साड़ी पहन रहे हैं तो इस तरह की एडी सेट आप पहन सकते हैं ताकि पूरा उसे इक्वलाइज कर सके उस लुक को। सो या दिस वन इज़ द सेट। सो दिस वन इज़ द इयररिंग्स, देख सकते हैं इयररिंग्स भी बहुत खूबसूरत है। नाउ थर्ड जो ज्वेलरी मैंने मंगवाई है वो हेयर एसेसरीज है। हेयर एसेसरी है। सो मैंने माथा पट्टी कह सकते हैं उसे या फिर हेयर बैंड भी कह सकते हैं, वो मंगवाया है मैंने। सो लास्ट टाइम मैंने एक माथा पट्टी आपको दिखाया था जो चेन वाला होता है, उसे फंसा के या फिर क्लिप लगा के बालों में लगाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उस तरह की माथा पट्टी को लगाने में, क्योंकि कभी इधर से वो सरकता है, कभी इधर से सरकता है। श्लोका अंबानी ने जब से वो माथा पट्टी पहना है तब से वो माथा पट्टी बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। हेयर बैंड बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। या दिस वन इज़ द हेयर बैंड। मैं इसे निकाल लेती हूँ। दिस वन इज़ द हेयर बैंड और इसे आप माथा पट्टी भी कह सकते हैं। सो ये बहुत आसान है लगाना। जस्ट हेयर बैंड हम लोग जब बचपन में पहनते थे, जस्ट हेयर बैंड इस तरह से लगा लेते थे। या तो आपको बाल को अच्छे से कॉम कर लेना है एंड बस सिंपली लगा लेना है। आप जो मन चाहे इस पे हेयर स्टाइल कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, बालों को अच्छे से कॉम करके कर सकते हैं। इसमें स्टोन वर्क दिया हुआ है एंड ग्रीन एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है एंड ऑल ओवर गोल्डन। सो ये कुंदन हेयर बैंड इसे कहते हैं। सो ये शादी फंक्शन में बहुत खूबसूरत लगता है। सो ये था मेरा आज का वीडियो जहाँ मैंने शेयर किया मीशो ज्वेलरी हॉल। एंड आपको कौन सी ज्वेलरी पसंद आई वो भी जरूर बताइएगा। तो जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं वहाँ भी अपनी रील्स डालते रहती हूँ, पोस्ट एंड स्टोरी लगाते रहती हूँ। अच्छे अच्छे रील्स अल्टरनेट डे मैं डालती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नीलू। सो डू फॉलो मी देयर। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।